नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइफ सुविधा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया हो तो एक बार जरूर से बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें एक चीज़ ऐसी मिलाऊंगी जिसे मिलाकर खाने आप इसका टेस्ट करेंगे, खाएंगे ये हलवा तो आपको बहुत पसंद आएगा और बार बार आपका मन करेगा कि यही चीज़ इसमें डालकर बनाया जाए। इसमें बिल्कुल भी मावे का यूज नहीं किया है, फिर भी बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 5 गाजर ली है जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके ऊपर से जैसे छिल के हटा दिए थे। अभी इसको देखिए, इस तरह से हमने कट करना है, गोलाकार से इसके बेस बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी गाजर मैंने कट कर ली है। अभी यहाँ पर कुकर लिया है, कुकर में सारी गाजर को हम डाल लेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है यहाँ पर 1 कटोरी। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, 2 सीटी आने देंगे इसमें। अभी 2 सीटी आने देंगे तो हम अगले की तैयारी करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ये पनीर लिया है जी। पनीर इसमें मिलाएंगे हलवे में, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर गाजर भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, तो इसे हम ऐसे कड़ची की सहायता से तोड़ लेते पीस। अभी इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देते हैं और कढ़ाई में देखिए अभी बहुत अच्छे से पक चुकी है और दूध भी इसमें अभी ज़्यादा है, तो इसे अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे, यानी इसको पका लेना है। देखिए अभी आधा पक चुका है और बहुत ही अच्छे से मैश भी हो गया है। ऐसे मैश करते रहेंगे और इसे पकने देंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट लगी थी इसको पकने में। अभी यहाँ पर इसमें चीनी ली है मैंने, आधा कटोरी चीनी डाल देंगे इसके अंदर। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 इलायची ली है मैंने, हरी इलायची, इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा हलवे का। अभी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे पकाते रहेंगे और अच्छी तरह से मैश करते रहेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। अभी इसमें यहाँ पर पनीर डालना है। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया था और यहाँ पर पनीर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने से ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। जैसे मावे का हम मिक्स करके बनाते हैं, खाते हैं, वही टेस्ट आएगा बिल्कुल सेम और वैसा ही बनेगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से पकाना, कम से कम इसे पकने में 20 मिनट लगी थी। तो यहाँ पर अब इसमें घी डाल देते हैं, देसी घी लिया है मैंने 3 चम्मच। अभी यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसे मिलाते रहेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर ये पक चुका है। अभी इसमें यहाँ पर काजू डाल देंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं और ये देखिए, यहाँ पर ये हलवा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा ये हलवा बनता है। इसमें पनीर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सर्व भी कर लिया है। आप भी एक बार दोस्तों जरूर ट्राई करना इस तरीके से, ये हलवा बहुत ही पसंद आएगा सभी को। सभी खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे और अगले नेक्स्ट टाइम यही हलवा आपसे बनवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।